नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय भक्त्या विहीना परादलक्ष्यै चित्तास्य कामादि तरंगमध्यै कृपामयीं तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणं अंगश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दे कृतेन्दीवरं जाड्डञ्जागुडरोचिसां विदधतं पट्टन्दरस्य श्रिया बिंदारण्य निवासिनं हृदलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दे निवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति जन्मेतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तुष तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणम् अधिकारी योग्याधिकारी के हृदय के जीवा पर भगवान उनकी जीवा में नाम भगवान रसपूर्वक अवस्थित रहते हैं। नारद बीना जीवन सुधोर में निर्जास माधुरी पूरा तं कृष्ण नाम काम स्फुर में रसने रसनी प्रार्थना कर रहे हैं। नारद के बीना पर उनकी जीवा पर जिस प्रकार से कृष्ण का मधुर नाम स्फूर्ति होता है उसी प्रकार से हमारी जीवा पर रस पूर्वक ये नाम प्रभु उदित हो। प्रार्थना ये कर रहे हैं रूप गोस्वामी। कौन रसना, कौन सी रसना पर? सेवनमुखी रसना। अब सेवनमुखी किसको कहते हैं? इसके लिए बतलाया था सेवनमुखी। क्या बतलाया था भाई सेवनमुखी? बतलाओ तो इन भावनाओं के साथ में मन को भी नियुक्त करके उनकी लीलाओं के स्मरण में और जीवा के द्वारा सब समय करें। रुचि नहीं है तो भी करें। यह सेवनमुखी वृत्ति नाम प्रभु की सेवा की वृत्ति। सेवनमुख रसना पर ही रसमय श्री नाम माने लीला भूमि हो सकती है। रसमय कौन सी? सेवनमुख जीवा। और हम लोगों की रसना भी अविद्या पितोपतप्त है, अविद्या रूपी पित्त द्वारा उत्तप्त जीवा है, इसलिए इस पर अभी नहीं होगा किंतु धीरे धीरे करने से होगा। यदि हमारी एनर्जी अधिकांश रूप में विषयों के प्रति जाती है, संसारिक बातों पर, इसी को उन्नत करने में हम सदा लगे रहते हैं तो नहीं आएंगे। क्या तात्पर्य? नाम प्रभु की सेवा में सब समय लगे रहे। वैष्णव की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, बाकी सब समय उसी में लगा रहे। किसी भी संसार की वस्तु को समृद्ध करने की लालसा न रहे। हम लोगों की इसी में कुछ अधिक लग जाता है, इसलिए यह दूर होना चाहिए। नाम प्रभु रसमय विग्रह, रसो वैसह, उनका स्वरूप भी है, उनका नाम भी है, उनकी लीला भी है, सभी कुछ रसमय विग्रह है। तार अनुगत होइले, उनके अनुगत होने से, उनके कृपा वरण करते हईले, से उन्मुख होते हईले। इसी को नयम आत्मा प्रवचने न लभ्य अनुमेधया बहुना श्रुतेन जमये व एष विणुते तेन लभ्य
तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इसमें क्या है, तीसरा चरण, जमयेव एष विणुते, इसका क्या तात्पर्य है इसको समझो। जमयेव एष, एष मैंने कृष्णचंद्र नाम प्रभु, एष विणुते, वो यदि वर्ण करेंगे ये हमारा कृपा पात्र है, तब वो उनकी कृपा होगी, समझेंगे, वो समझे कृष्ण गुरुदेव, ये समझें कि हमारा कृपा का पात्र है, किंतु समझेंगे कैसे, उनके प्रति हमारा अनुगत्य रहेगा, उनके प्रति हम अनकंडीशनल सरेंडर कर देंगे, तब ये हो सकता है, तब वो समझे कि हमारे कृपा का ये पात्र है। वो ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा है, क्या श्लोक, अथापि देव दे पदम्बुज द्वय प्रसाद लेशा अनुग्रहीत एव ही जनाति तत्त्वं भगवन महिमनो न चन्व एको अपि चिरन विचिंतन। अपनी चेष्टा से नहीं, कैसे होगा ये, वो यदि करें भगवान की कृपा, किंतु भगवान की कृपा होगी कैसे, जैसे यशोदा के ऊपर में हुई, सवेरे से बांधते 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 अपना प्यारा पुत्र उसको बांध रही है और छोड़ेंगी नहीं जब तक नहीं बंधेगा, लगी रही उनकी परिश्रम को, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया कृपया आश्रित बंधने, उनके बंधन में आ गए। ऐसे ही यदि हम लोग सब समय भगवान की कृपा पर निर्भर रहे, उनके चरणों में न्योछावर कर दे अपने को, तो ये संभव हो सकता है, उनकी कृपा होगी, परिश्रम ही नहीं करेंगे, भगवान को दया आए आपके प्रति, ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए इसको कहते हैं सेवन मुख, जहां सेवन मुख वृत्ति हुई, निरंतर कृष्ण नाम कर रहे हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के साथ में कर रहे हैं, उनकी मनोभीष्ट पूरा करने की दृष्टि से कर रहे हैं, बहुत तरह की सेवा है, उनका यथार्थ मनोभीष्ट पूर्ति के लिए होना चाहिए, तब नाम प्रभु हमारे हृदय में हमारे जीवा पर उदित होंगे। उस समय नाम करने में आलस्य प्रमाद नींद कष्ट ये सब कुछ नहीं, अपने आप उसमें आनंद की अनुभूति होगी। सेवन्मुख होते हिले नाम प्रभुर उपद्रव निरंकुश प्रभुत्व सज्ज करवा सौभाग्य आसवे। क्या सेवन्मुख हिले, यदि हमारी वृत्ति सेवन्मुख हो जाए तो नाम प्रभु का उपद्रव करी एतो उपद्रव ना दिखाए निज रूप गुण तबे धर लय कृष्ण पास न कि करिय अत उपद्रव। उपद्रव क्या, कभी श्वेत कभी रोमांच कभी कंप कभी अश्रु कभी प्रमाद कभी कुछ प्रलाप एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुराग उदित उच्च चित्त क्या उच्च हसत तथो रोदति रौती उन्माद यति लोक बाई उन्माद ग्रस्त आदमी हो जाता इत करी एतो उपद्रव। ये सब उपद्रव है किंतु ये उपद्रव सब मधुर है आस्वादन युक्त है साधारण जीव सहज नहीं कर सकता है वो मर जाएगा। तो सेवन्मुख होने से नाम प्रभु का उपद्रव निरंकुश प्रभुत्व कभी मुच्छी कभी गड़ागड़ी कभी पत में लोटना पलोटना कभी ही का कभी क्या क्या सब उपद्रव उन्माद इत्यादि निरंकुश माने बिना अंकुश का कब कब उनकी क्या इच्छा होगी कुछ पता नहीं कंट्रोल नहीं वो कब कैसा उपद्रव करेंगे
कृष्ण अपनी जसोदा मैया के घर में कब क्या उपद्रव, निरंकुश है, कभी स्वतंत्र, कभी सांप को पकड़े, बैल का सिंह पकड़ लेगा, कभी बैल के मुख में अपना हाथ दे देगा, कभी आग से खेलेगा, क्या करेगा कोई ठीक नहीं। ऐसे ही नाम प्रभु का उपद्रव है। कृष्ण कहने, कृष्ण नाम इज लाइक कृष्ण, एंड व्हेन एनीवन विल बी सेवन मुख ऑलवेज चांटिंग नेम विथ रूप गोस्वामी सिस्टम, देन हिमसेल्फ नाम विल कम एंड डांस ऑन दिस on the ton of that. At that time, common person cannot, उसको नहीं सह सकता है नाम प्रभु के उपद्रव, cannot tolerate. Sometimes he will faint, sometimes he will dance, sometimes rolling on the ground, sometimes so many things. श्रीराम प्रभु उन्मत्त उद्भ्रांत करिया तोलन, उद्भ्रांत और उद्भ्रांत माने क्या, कहां कृष्ण गए, अभी दर्शन दिया कहां गए, ये उद्भ्रांत। फिर कहा जैसे अभी देखा हमने कि नहीं देखा, महाप्रभु जी कह रहे हैं जैसे नाम के प्रभाव से हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया और नाम के बल से हमने देखा, एक छोटा सा श्याम शिशु हमारे सामने आ गया, उसको पकड़ने में दौड़ा और वो पीछे हट दिया गया, और जब एकदम मैं निकट पहुंचा तो न जाने कहां अंतर ध्यान हो गया, मैं पुलकित होकर के गिर पड़ा। फिर उठ करके देखा तो कोई, मैंने सोचा जी मैंने सचमुच देखा या झूठ देखा, ये सची मैया भोग लगा रही है, देखा जी महाप्रभु जी उनका बेटा सची जी आ गया और वो पूरा खा गया। जब वो खा करके चले गए तो देखा जिसे सचमुच में मैंने इसमें परोसा कि नहीं, रसोई बनाई कि नहीं, जा करके देखी जो तो वो तो बना हुआ रसोई था। तो फिर कहां गया, क्या हुआ, क्या कुछ ठीक नहीं कर, कहे ये स्वप्न देखा ना क्या देखा। ऐसे ही नाम प्रभु के उपद्रव करिया की करें, उपद्रव करके क्या करते हैं, यदि अनुभव करने की इच्छा हो तो ऐसे नाम करो, यदि अनुभव करने की, इफ यू वांट टू रियलाइज ऑल दिस थिंग देन यू विल हैव टू अडॉप्ट मेथड ऑफ रूप गोस्वामी। एक तो महामंत्र कर दे, उपद्रव करिया की करें, उपद्रव करके क्या करते हैं, करिए तो उपद्रव चीते वर्षे सुधा द्रव, उपद्रव करके अमृत की वर्षा करते हैं, द्रवित अमृत की वर्षा करते हैं। द्रवित अमृत क्या है, भगवान की लीला कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको हृदय में स्फूर्ति कराते हैं। उपद्रव मधुर, अत्यंत मधुर, यह उपद्रव उनका है अत्यंत मधुर है, सर्वक्षण रसेर उदय करा, सब समय रस का उदित कराते हैं, रसेर प्लावन आनयन कर, रस का प्लावन माने रस की बाढ़ ला देते हैं, और उस बाढ़ को सहना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं, बद्ध जीवों के लिए। सुधा वर्षण करें जे नाम तिनी सेवन्मुख रसना सहित रसमय रूपे संयुक्त, वे जो सुधा का वर्षण करने वाले जो नाम प्रभु हैं, वे स्वयंमुख रसना के साथी रसमय रूपे संयुक्त। अरे हटाओ ले जाओ, यू कैन टेक इट। इस समय ऐसा होता है, उस समय आस्वादन का विरोधी जो वेग है वो उस समय में विजित हो जाते हैं, जीत जीत लिए जाते हैं, उस समय वेग नहीं उठते। जब रसना पर भगवान प्रभु उदित होते हैं रस के साथ में, और जब उसका अनुभव वो करने लगता है कुछ कुछ, उस समय वेग नहीं रहते, उनके प्रभाव से, उनके आभास से ही वो दूर हो जाते हैं।
इसलिए इन वेगों को दमन करने के लिए नाम प्रभु सबसे अधिक श्रेष्ठ है। और हरिकथा दो, हरिकथा हरिनाम, ये दो सबसे बड़े प्रश्न। विशेष करके नाम यदि रूप गोस्वामी के पद्धति से लिया हुआ हो तो वेग उसके आभार से सब वेग जितने प्रकार के हैं दूर हो जाएंगे। ऑल वेग्स विल गो अवे बाय द चैंटिंग हरि नेम, बट इन द प्रोसेस ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी उच्चारण संग संग रसनार आस्वादन विरोधी अरुचि दमन है। देन यदि निरंतर करते रहें कुछ दिनों के बाद में अरुचि दूर हो जाती है, अरुचि दूर हो जाते हैं रुचि उत्पन्न होती है। ये समझो जैव धर्म में हम आज देख रहे थे तो जैसे कृष्ण का श्री अंग है, कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही जीवों का केस इन दो शरीरों के अंदर में एक शुद्ध चिन्मय शरीर है। जैसे इस शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, ऐसे ही आत्मा के अंग प्रत्यंग है अनुचित किंतु सब कुछ उसमें अंदर में है। उसके अंदर में उसके भाव भी नित्य हैं। किस भाव से कृष्ण सेवा का अधिकारी है, किस सेवा करने का उसका उसके अंदर में बीज निहित है, वो सब कुछ उसके अंदर में है। इसलिए अविद्या के कारण अभी ढका हुआ है, माया की दो वृत्ति है, विक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। एक जहां हम भगवान को भूले ये कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए और सी भी बहुत सी बातें हैं। जो काय व्यूह वाले या नित्य मुक्त जो हैं ब्रज वाले वो तो कभी विस्मरण नहीं होंगे। जो लोग महासंकर्षण के द्वारा जो जीव जो है नित्य मुक्त वो भी विस्मरण नहीं हो सकता। कर्णाध्यसाई से जो जीव नित्य मुक्त हो गए हैं उनको भी ये प्रश्न नहीं है। जो लोग वहां से निकल करके अभी प्रारंभ से ही जैसे बीज बोया न गया हो किंतु बीज में सब प्रकार की पोटेंसी है, उसी प्रकार से जो जीव जो उनसे हैं कर्णाध्यसाई विष्णु से, उनमें अभी वो अविद्या के द्वारा वो केवल ढका हुआ है किंतु उसमें सारी पोटेंसी उसमें अंदर में है। अब जब किसी महापुरुष का या वैष्णव का या भगवान की कृपा होती है तो जब ये धीरे धीरे माया दूर होगी जो उसके अंदर में भाव है वही सब प्रकट, दूसरा नहीं होगा। उसमें क्रम हो सकता है कि पहले शांत दास सक्रति इत्यादि हो, जिसमें जैसा है वैसा ही हो, दूसरे तरह का नहीं हो सकता। वो तीन प्रकार के ये जीवों की प्रवृत्ति है, एक ब्रह्म प्रवृत्ति, एक है ऐश्वर्य प्रतीति वाले और एक है माधुर्य वाले। जो लोग अभी वैसा संग नहीं मिला और प्रारंभ से ही ज्ञान का अनुशीलन करने लगे उनका तो ब्रह्म स्वभाव और ब्रह्मानंद उनको मिलेगा, उन्हीं की वो कौन सी मुक्ति है, सायुज जाल। और उनका संग ने वो तो जैसे बीज था उसमें पोटेंसी थी सब कुछ का किंतु वो सड़ गया ना, अब बस वही तक हो गया, या ऐसा समझो उसको भून दिया। वो तो है तो बीज तो वही किंतु बीज में जो अंकुरित होने की पोटेंसी थी वो खत्म हो गई, वो जल गया, बस वही तक वो खत्म हो गया। रहने पर भी
बस यही ऐसा नहीं ऐसा ही है, है? तो जल गया तो वह फिर नहीं होगा, वो संग ही नहीं होगा। जिनको साधन भजन में उनको ये ईसाई जीवाली में नहीं गया, वो चारों में से किसी में उनका हो जाएगा संग। जो साहिज मुक्ति में एकदम चला गया, उसका रस जल गया, वो पोटेंशियल ही खत्म हो गई, फिर क्या होगा? बस उसी में लगा रहेगा। और जो संग के समय में भगवान भजन साधन में ज्ञान का अनुशीलन कर रहा था, किंतु कुछ कुछ वैष्णवों का संग था, उनको साहिज वाला नहीं मिलेगा, उनमें से चारों में से कोई मिलकर के या वही मिलेगा, तो जैसे गोप कुमार का हुआ था वैसा स्थिति रहेगा, वो लोग संग पा करके चले। अरे उन्हीं मधुमंगल रे उठबूत उन्हें साइज मुक्ति हुई छिलो ना, इसी को दिखलाने के लिए वो देखो उसमें जैव धर्म ये कहा ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में टीका में वो कहते हैं कि उसकी साइज मुक्ति नहीं हुई थी, वो दिखलाने के लिए एक उस श्लोक में गया था, किंतु थे मधुमंगल। अच्छा उसको यही दिखलाने के लिए, जो द्वारकावासी किसी को मुक्ति ईसाई जी हो जाएगी ये कभी संभव पर नहीं है, इस चीज को दिखलाने के लिए द्वारकावासी को मुक्ति होगी ये कभी असंभव है, ये इस चीज को दिखलाने के लिए वहां से लेकर के चले। वो तो मधुमंगल जी थे, ये कला बंद है। यदि साइज मुक्ति हो ही गई फिर क्या होगा? उनका साइज मुक्ति नहीं हुआ था, इस चीज को समझो। उनका तो एक तरह से आभास था, वो कभी डूब रहे थे कभी ऊपर उठ रहे थे, और साइजी वाला उसमें जब जैसे कि चले गए, उनका तो अब रहा नहीं, एनिहिलेशन तो आत्मा हो गया, उनका वो प्रेम या भक्ति वो जल गई, अब वो नित्य का, इसलिए इससे बढ़कर के नरक और कोई नहीं है, साइज से बढ़कर के और कोई भी जीवों के लिए खराब से खराब स्थान नहीं है, और स्वर्ग और नरक से जीवों का उद्धार होकर के फिर हो जाएगा, उनका नहीं होगा। नहीं अभी नहीं है, यदि वो ऐसा उनको मिल जाए साइज निर्वाण में तब थे, अभी तक यहाँ पर चांस है, अभी तक है, किंतु यदि भगवान के अपराधी हैं तो इसी पथ में आगे बढ़ जाएंगे, भगवान का निरादर करेंगे, भगवान की लीला कथा का नाम का अनादर करेंगे तब। अरुचि भगवान का जितना ही नाम हम करेंगे हमारी रुचि अरुचि कमती जाएगी, और जितने परिमाण में रुचि बढ़ती जाएगी अनर्थ साफ दूर होते चले जाएंगे अपने आप। सूर्य अभी बहुत दूर नीचे है क्षितिज के, किंतु थोड़ी सी लालिमा आने लगी, ब्रह्म मुहूर्त में अंधकार हटने लग गया, और धीरे 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 सूर्य की किरणें आने लग गई। इसी प्रकार से नाम के आभास से ही ये धीरे धीरे ये सब दूर होने लग गए, अनर्थ इत्यादि रुचि आने लगी। आज भाव आएगा शुद्ध सत्व आएगा तो अपने आप उसमें प्रगाढ़ रुचि हो जाएगी, उस समय नाम हमारे जीवा पर खेलने नित्य करने लग जाएंगे। आस्वादन दो प्रकार से पहले बतलाया, उसी को फिर से बतला रहे हैं। आस्वादन मध्यम अधिकार में कुछ कुछ ही ये मालूम होने लगता है, विशेष करके मध्यम 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 उत्तम में कुछ कुछ अनुभूति होने लगी।
वो करीब करीब जितने अनर्थ हैं, यहाँ तक कि भक्ति उत्थ और क्या क्या है वो अपराध उत्थ, सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ और भक्ति उत्थ भी उस ये सब अनुभव करेंगे। ऐश्वर्य बिना मांगने आने लग जाएगा, प्रतिष्ठा आने लग जाएगी, समस्त प्राणी उसके अनुगत होने लग जाएंगे और उसको भी उपद्रव समझ करके इससे भी बचने के लिए सावधानी करेगा इसमें कर। और यदि उसमें डूब गया तो फिर मुश्किल है। इसलिए आस्वादन दो प्रकार का, कृष्ण कथा रूपी शब्द आस्वादन, कृष्ण कथा रूपी शब्द, जैसे कृष्ण कथा रूपी शब्द का क्या ये भी रहस्य संविदम हृत्सयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहद उरु रस्य धामते मुहुर्वत स्पृहा मुह्यते मन इत्यादि। अब इसमें रहस्य संविदम, रहस्य संविदम मैंने क्या, ये कौन कह रहा है या कौन कर रहे हैं, गोपिया कौन गोपिया कर रही हैं, कृष्ण के विरह में तन्मय हुई है। अब वो कर रही हैं, आपकी ये जो भावनाएं हैं क्या रहस्य संविदम, आप निर्जन स्थान में अकेली पा करके प्रेम पूर्वक जो प्रेमालाप करते हैं रहस्य संविदम, जो प्रेमालाप इत्यादि करते हैं उसमें आपके भाव हैं, आपके क्रियाकलाप हैं, कैसे कभी हाथ यहां लगा दिया बड़े प्रेम से उनसे कह रहे हैं अरे तो मान जाओ, या प्रेम पूर्वक आलाप कर रहे हैं, ऐसे जो आलाप जो अब ये तो लिखा तो वहां अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी ने इसी आलाप को जो क्या क्या आलाप कैसे आलाप ये सब उसके हृदय में क्या करते हैं रसास्वादन जगाते हैं। कौन सा आला कृष्ण का ने मेरी प्यारी गोपियों मेरी प्रियाओं और उनसे बड़े प्रेम पूर्वक आलाप कर रहे हैं एकांत में, ये सब आलाप कृष्ण का चलन चल रहे हैं जा रहे हैं इधर मैं अब जा रहा हूं मान कर रही है राधा जी मान नहीं रहे मान नहीं रही और उस समय में घूम करके जा रहे हैं किंतु बार बार पुनः पुनः देख रहे और श्रीमती जी क्या करें वो भी गर्दन हटा करके किंतु आंख उनकी वहां पर बने, ये सब जो भावनाएं हैं रस हैं जो शब्दों में भरे पड़े हैं ये सब क्या करते हैं रस कौन किन के जिनका संग हुआ है ऐसे वैष्णवों का ऐसी कथाओं का लीलाओं का सब समय स्मरण करते हैं उनके लिए वही नाम प्रभु ये सबको भी करें ये कुछ उत्तम अधिकारी होने चाहिए। रहस्य संविदम हृत्सयोदयम हृदय में क्या करते हैं उथल पुथल काम को जगा करके, काम मैंने यहां पर प्रीति को जगा करके कृष्ण से मिलने की तीव्रतर उत्कंठा और कृष्ण आते हैं तो उनसे मान करके उनसे मिलना नहीं चाहते ये सब भंगियां उसमें हाव भाव हेला विच्छिति अभाव किसको कहते हैं ये शब्द में तो रखा है हम लोग उसको जानते हैं कृष्ण को देख करके और जब गर्दन को थोड़ा सा ऐसे कर करके भाव से उसके तरफ में एक टक लगा करके जब देखते हैं कि आंखें बंद भी नहीं हो रही ये है हाव भाव से भी अधिक हिला से और विच्छिति से लागना और किंतु समझेगा कौन ये तो शब्दों में भरे पड़े हैं इसलिए कथा रूपी शब्द के आस्वादन और हरि संबंधी वस्तु तद अनुग्रह रूपी महाप्रसाद सेवा
हरि संबंधी तदीय वस्तु महाप्रसाद का सेवन। कभी कभी महाप्रसाद का सेवन रोग वृद्धि करता है। किनको? किनको? ये जिनके हृदय में अनर्थ इत्यादि है, भगवान के भक्ति उस पर भरोसा नहीं, वो उदर पूर्ति के लिए रसास्वादन के लिए प्रसाद लेता है। और जो प्रतिपूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके भगवान का स्वरूप जान करके उस महाप्रसाद को अत्यंत आदर के साथ में लेता है, उसको ये उनको जो विरोधी भाव उसको दूर करेगा। और महाप्रसाद होने पर भी गोविंद जी का प्रसाद जो रूप गोस्वामी के ठाकुर जी हैं, जयपुर में कोई वैष्णव जाकर ठाकुर जी की सेवा हमको मिल जाए, और सचमुच में उसको ठाकुर जी की सेवा मिल गई और वो ठाकुर जी की सेवा करने लगा, और धीरे धीरे उनका लड्डू घी का, पूरी घी का और तरह तरह की मलाई जितने पुजारी अधिकतर यदि संयम नहीं बरते हैं तो उनमें जरूर कामना उत्पन्न होगी। ब्रह्मचारी लोग अधिक विवाह करके लौट जाते हैं, विशेष करके इस कोण में, इसलिए ब्रह्मचारी लोगों को या किसी भी ब्रह्मचारी को जब ठाकुर जी का परमान्न भोग लगा तो अपनी बाटी को चुरा न ले, ठाकुर जी वाले वो चुरा लेते हैं। बैगुन भाजा यदि खूब अच्छा होगा तो उसको वहीं से उड़ जाएगा, कंट्रोल जीवा पर है नहीं, और उनकी दुर्गति क्या होती है, कुछ दिन में या तो रोग होगा या काम उनको हो जाएगा। इसलिए पुजारी लोगों को जरा खूब संयम से रहना चाहिए। इसलिए हरि संबंधी वस्तु तदनुग्रह रूपी, भगवान का अनुग्रह है ये प्रसाद। प्रसाद माने क्या? महाप्रसाद। प्रसाद माने अनुग्रह, उसको अनुग्रह के रूप में ले, भोग्य के रूप में रसास्वादन करने के लिए न ले। एक समय में यहाँ पर मैं प्रणाम ठाकुर जी को कर रहा था, इतने में एक सन्यासी आए यहाँ और ठाकुर जी को देखने लगे, आध घंटा तक देखा। मैंने कहा जा ये कितने सौभाग्यवान है जी, एक घंटे तक ठाकुर जी को आध घंटे तक देख रहे हैं। मैंने कहा जी हमारा आज तक इतना ठाकुर जी में प्रीति नहीं हुई जी, मैं 5 मिनट भी देखूं और प्रार्थना और ये आधा घंटा तक देख रहे हैं, आध घंटा मैं उनके पीछे खड़ा रहा जी, आज मेरा सौभाग्य जाए संत तो भक्त को तो देखा। आध घंटे के बाद मैं उससे पूछा जी महाराज जी ये विग्रह आपने जयपुर में किस मिस्त्री के द्वारा बनवाया था? हमने कहा जे दुर्भाग्य है जे ऐसे आदमी का हमको दर्शन हो गया। मैं बड़ा दुखी हुआ। आध घंटा तक ऐसे देखने के बाद में कहते वाह ये तो मूर्तिकार ने, कलाकार ने एकदम कला को साकार बना दिया है, मैंने कि दुर्भाग्य है ऐसे वैष्णव का दर्शन। कहां कृष्ण के रूप स्फूर्ति होती है, हे ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं मिल रहा, आप हमारे तरफ में दर्शन ये सब भावना आती तब तो होता। उसी तरह से महाप्रसाद को लौकिक द्रव्य का सुस्वाद इत्यादि न समझ करके उसको भगवत स्वरूप समझ करके उनसे प्रार्थना करें। एक ये रसास्वाद और एक है नाम प्रभु का और हरि कथा का स्वाद जीवा के माध्यम से। नाम करते चले जा रहे हैं और कृष्ण नाम संबंधी विशेष करके कैसा गोपियों के साथ में संबंधित नाम इत्यादि का अगतमन जसोदानंदनो नंदसून कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावन प्रणत करोति कृष्णा वित्यनेक स्वरूपे तैमरिचु उच्चै वरदान। ऐसे सपना विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर का जसोमती नंदन ब्रज वरना गोकुल रंजन कान ये सब नाम है आदि से अंत तक
कैसे नाम है, उसमें डूब गए हैं, डूब करके रसास्वादन करते हुए हम लोगों के लिए कुछ चर्बित चर्बन रखा, गोकुल रंजन कान, इसके बाद में गोप प्रिय जन मदन मनोहर दमन विलास, अमल हरिनाम अमीय विलास, ठीक विपिन पुरंदर नवीन नव, क्या क्या माने जो समझेगा वो समझेगा। सारा श्रीमद भागवत इत्यादि सब इसमें रख दिया, नवीन नागरवर कदम बकानन रास परायण, उसमें है विभव विशेष में किसी में जामुना टटचर गोपी बसनहर रास रसिक, देखो तो ये सब संबोधन शब्द हैं, ये नाम प्रभु की सबसे सुंदर सब महिमाएं हैं। इसको हरिनाम करते समय और थोड़ा सा इन नामों को करें, इन कीर्तन को करें, तो देखो तब चित्त कहां जाएगा, नहीं जा सकता, किंतु हम लोग दुर्भाग्य ऐसा नहीं करते। इसलिए रूप गोस्वामी ने एकाधिक बार, एक बार नहीं, रसना 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 इत्यादि बार बार रसना, किस लिए, कृष्ण नाम का जो मधुर रस है जिसके द्वारा आस्वादित होती है उसको कहते हैं रसना, इसलिए रसना जीवा नहीं कह रहे, रसना रसना। अनर्पति चरिंगीरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसांग स्वभक्ति हरि अपूर्व सुंदर दूत कदम्ब संदीपी सदा हृदय कंदरे स्फुरत में सचिन। इसलिए रूप गोस्वामी ऐसा प्रार्थना करते कि हमारे हृदय के कंदरे में, हमारे जीवा पर ये सचिनंदन गौर हरी स्फूर्ति प्राप्त। इसी तरह से नाम प्रभु को हम प्रार्थना करते, हे नाम प्रभु आप हमारे हृदय में हमारे जीवा के पर स्फूर्ति प्राप्त हो, निरंतर प्रार्थना करने पर जब दैन्य होगा अप्राप्त दैन्य तो वो जरूर स्फूर्ति प्राप्त होगा। ये सब तरीके हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने ऐसी प्रार्थना की। महाप्रभु की दया समर्थ है, अब इसकी व्याख्या तो हमने कितनी बार की है, बहुत बार व्याख्या की है, व्याख्या करने में हमारा दूसरी तरफ में चले जाएंगे। तभी ऐसा समझिए न अर्पित चिरात, जो प्रेम बहुत काल तक नहीं दिया गया, अर्पित नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं जो कभी नहीं दिया गया, बहुत काल पहले एक कल्प पहले दिया था, इसके बाद में नहीं। अनअर्पित चिरात, चिरकाल माने बहुत दिनों तक जो प्रेम नहीं दिया गया उसको देने के लिए समर्पयी तुम, उसको देने के लिए करुणयावतीर्ण करो, करुणा पूर्वक अवतीर्ण। क्यों, कौन अवतीर्ण हुआ है, यह महाप्रभु के लिए नहीं कह रहे, किनके लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण करुणा करो, कैसी कैसे करुणा, ये कैसे करेंगे, पूरत सुंदर दूत कदम बसंती पिता, राधा जी के भाव और कांति से दीप्यमान होकर के कृष्ण करुणा पूर्वक, क्यों, क्योंकि कृष्ण रसिक शेखर के साथ में परम करुण है, इसलिए करुणा कर, आज तक जीवों को ऐसा प्रेम नहीं दिया गया, इस प्रेम को हम देंगे, इसलिए उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए। उन्नत उज्ज्वल रस किसको कहते हैं, यशोदा मैया के प्रेम को उन्नत उज्ज्वल रस कहेंगे कि नहीं, शखरस को उन्नत उज्ज्वल कहेंगे, ये द्वारका की महिषियों के प्रेम को उन्नत उज्ज्वल कहेंगे या सीता जी के प्रेम को कि नहीं, नहीं कहेंगे। किसके प्रेम को कहेंगे, गोपियों के, उन गोपियों में भी उन्नत उज्ज्वल सीमा तक ये किसमें होगा, राधा जी में। उन्नत उज्ज्वल रसांग
स्वभक्ति श्रीयम, स्वभक्ति अपनी भक्ति कौन है? श्रीमती राधिका जी स्वभक्ति स्वरूप शक्ति, राधनी का प्रेम सार प्रेम भाव, भाव का परम भाव महाभाव महास्वरूपासी राधा ठाकुरानी, कृष्ण भाव खनि कृष्ण चिंता मणि न की। अच्छा तो ये श्रीमती राधिका उन्नत उज्जवल रस की मूर्तिमान से विग्रह राधिका जी हैं, उनकी श्री देने के लिए, उन्नत उज्जवल रस देने के लिए नहीं, राधिका जी का भाव वो नहीं दिया जाए, वो आस्वादन का विषय है। वो है क्या चीज? राधाया प्रणय महिमा किदृश हुआ अनई वास्वाद्व जिनाद्भुत मधुरिमा किदृश हुआ, ये तीन चीज, ये राधिका जी का उन्नत भाव है, उसको ग्रहण करके और उनकी श्री को देने के लिए। उनका श्री क्या है? तत्त्व भाव इच्छामयी रूप मंजरी इत्यादि के जो भाव हैं, वो जो प्रेम है वो देने के लिए वो अवतीर्ण हुए थे। वो हरि, वो हरि माने कौन? जो हमारे चित्त वृत्ति को हरण करने वाले हैं, राधिका जी के भी चित्त को हरण करने वाले जो हरि हैं, उनकी उपमा सिंह से दे रहे हैं। इसलिए सिंह से दे रहे हैं, सिंह यदि हाथी के कंधे में पहुंच जाए तो हाथी सिंह को देखते ही वहां से भागेगा, और यदि नहीं भागा तो सिंह क्या करेगा? हाथी को मार डालेगा, उसका रक्त पी जाएगा। इसलिए सिंह की छाया देखते ही हाथी वहां से भाग जाए। ये हाथी क्या है? पाषंड। पाषंड में क्या? अनर्थ अपराध। ये हरि रूपी जो चैतन्य महाप्रभु, वो जो हरिपूर्ण सुंदर दूध सचि नंदन जो गौर है, ये हरि है, साक्षात कृष्ण ही है और हरि भी। जहां हृदय कंदरे में आएंगे अपराध अनर्थ जब सब अपने आप दूरीभूत हो जाएंगे। सदा हृदय कंदरे, कंदरा इसीलिए कहा अंधकार होता है, इसमें जंगली जानवर हाथी इत्यादि सब वास करते हैं, ये सब अनर्थ अपराध है, ये सब दूर हो जाते हैं। सचिनंदन किस लिए कहा? इसलिए परम दयालु सची मैया जैसे दयालु हैं, कृष्ण को गौ रूप में धारण करती हैं, ऐसे ही सचिनंदन का पुत्र भी परम दयालु होगा, क्योंकि वो करुणा पूर्वक अवतीर्ण हुआ प्रेम दान कर रही है, वो हमको हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। महाप्रभु दया समूर्त, महाप्रभु की दया है असमूर्त, असमूर्त मैंने असम ऊर्ध, क्यों? यदि कृष्ण से तुलना करे नहीं तुलना होगा, राधा जी से तुलना करे नहीं होगा, क्यों? राधा और कृष्ण दोनों मिलित ये है ना, इसलिए राधा और कृष्ण दोनों की कृपा मिलकर के चैतन्य महाप्रभु की, इसलिए और भी असम। वैसे कृष्ण की कृपा असमूर्त है, किंतु कृष्ण की सारी कृपा के साथ में राधा जी की कृपा भी अपूर्ण है, इसलिए असमूर्थ। कखनो कोनो वा तारे रूपे दया प्रकाशित है, चैतन्य महाप्रभु की जैसी कृपा किसी भी अवतार में नहीं देखे। स्वयं रूप तार अनर्पित चरी सेवा शोभा दान करते प्रश्न से सेवा उन्नत उज्जवल रसमयी तहा चरम परम रस से रस तीन हमार साधारण सकल के दीते प्रस्तुत, केवल मात्र तीन प्रकार व्यक्ति के दिन में। आज यही तक रहे, आगे हम कहते गौर प्रेमानंदे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय।